नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है कि एक चमत्कार की तरह आज वो जेल से बाहर आएंगे। केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी का जोश बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक दी अंतरिम जमानत। प्रचार करने की भी मिली इजाजत। बीजेपी का जवाब, जमानत को क्लीन चिट ना समझे आप। ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। संजय राउत के औरंगजेब वाले बयान पर पीएम मोदी का प्रहार। उद्धव गुट को बताया नकली शिवसेना। आरक्षण पर कांग्रेस के हाल को बताया चोर जैसा। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। यूपी में राहुल और अखिलेश की साझा रैली। पीएम मोदी पर साधा निशाना। राहुल बोले, इंडिया गठबंधन ने मोदी को घेर लिया है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रफ्तार को झटका। मार्च में आईआईपी 5.7% से घटकर 4.9% पर पहुंची। माइनिंग और प्राइमरी गुड्स में बड़ी गिरावट। कैपिटल गुड्स ग्रोथ में दिखी मजबूती। कल की बड़ी गिरावट के बाद आज संभला बाजार। निफ्टी में करीब 90 पॉइंट की तेजी। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% चढ़ा। एफएमसीजी, मेटल, तेल, गैस, पावर सेक्टर में तेजी। ऑटो, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में तेजी। बाबा के जयकारों के साथ खुले केदारनाथ के कपाट। चार धाम यात्रा आज से शुरू। यात्रियों का पहला जत्था रवाना। 12 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल आखिरकार आज रिहा हो गए। अभी वो तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल को 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पूरा देश इस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ है और सुप्रीम कोर्ट ने देश के लोगों को इंसाफ दिया है। हमारे संवाददाता असीम हमसे जुड़ गए हैं। असीम, बताइए ताजा हाल। देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के गेट नंबर 4 से निकले हैं। उनका पूरा काफिला है, वो सीधे अब यहाँ से अपने मुख्यमंत्री निवास पर जाएंगे, जहाँ पर ऑलरेडी सारी तैयारियां हो चुकी है। उनकी बीवी, उनको उनकी पत्नी जो है सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों उनको लेने पहुंचे थे। अब वो यहाँ से निकल करके सीधे अपने निवास स्थान पर जाएंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। मीडिया से भी वो हो सकता है कि बात करें और आगे की रणनीति अपनी वो बताएं कि आगे किस तरह से कैंपेन की तैयारी कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। 1 जून तक उनको ये जमानत दी गई है। 2 जून तक उनको दोबारा से जेल के अंदर सरेंडर करना है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी शर्तें भी इन पर लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो है आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ऑफिस में नहीं जा सकते। आप सीएम की पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप एलजी की बिना अनुमति के कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक और शर्त लगाई थी कि आप गवाहों से नहीं मिलेंगे, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेंगे। 50,000 की श्योरिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी थी। अब वो अपने तिहाड़ जेल से उनका प्रोसेस जो पेपर वर्क था वो पूरा कर लिया गया है और अब निकल करके वो सीधा अपने घर की तरफ का रुख उन्होंने कर लिया और थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच जाएंगे। और हो सकता है कि जिस तरह से उनकी आगे बातचीत चल रही है, ये देर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर कल, आपको वो दिल्ली के अंदर 1 या 2 रोड शो के अंदर नजर आ सकते हैं। तो असीम, ये बताइए, ये तो काफी हाई प्रोफाइल मामला बना हुआ था और दिल्ली में चुनाव 25 तारीख को है, तो अब केजरीवाल के बाहर आने से क्या किस तरीके का मूड माहौल कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है आपको? आप कार्यकर्ताओं के भीतर, आप तो आज ऑफिस भी गए थे आम आदमी पार्टी के।
जी सही कहा आपने कि पहले कार्यकर्ताओं का मूड काफी डाउन था, क्योंकि जितने भी उनके बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सारे जेल के अंदर है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, जैन हो, वो सारे जेल के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुके थे। लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दी है और केजरीवाल को बाहर किया, तो आज कार्यालय में बहुत दिनों के बाद हमको एक खुशी देखने को मिली, एक जश्न मनाया जा रहा था। करीब 50 दिन के बाद 1 अप्रैल से ही ईडी की हिरासत के अंदर है अरविंद केजरीवाल और तिहाड़ जेल के अंदर है, और 50 दिनों के बाद जैसे ही उनकी रिहाई का ऑर्डर आया तो काफी खुश थे कार्यकर्ता, एक जश्न बना रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे, और कब एक ये कह सकते हैं कि पार्टी में एक दोबारा से नई जान जो है वो आ गई है, खासतौर पर उनका लीडर है वो वापस लौट करके आ रहा है और वो आगे की रणनीति तय करेगा कि किस तरह से अब चुनाव का की तैयारियां की जाए। अब काफी कम दिन बचे हैं दिल्ली के चुनाव के अंदर, 25 मई को चुनाव है और 15 दिन मात्र बचे हैं, तो उनको पहले अपनी कैंपेनिंग शुरू करनी होगी, उसके बाद पंजाब में का भी वो रुख करेंगे, वहां पर भी अपनी कैंपेनिंग करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि पार्टी को एक नया जीवनदान मिला या पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसको लेकर काफी खुश है, उनका एक मोरल बूस्ट जो है उनको मिला और पहले किससे ज्यादा तरीके से प्रचार करने के लिए तैयार है। जी असीम, और ये जो जमानत मिली है, अंतिम जमानत जो मिली है, खास करके ऐसा लगता है चुनावों को देखते हुए एक तो मिली है, दूसरी बात यह है कि जिन ग्राउंड्स पे उनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी गिरफ्तारी की जो ज़रूरतें थी उसको लेकर ईडी ने अपने पक्ष रखा अपना, और केजरीवाल ने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया उनके वकीलों ने कि भाई चुनाव के वक्त एक नेता को किस तरीके से आप अंदर रख सकते हैं, उनका लीगल राइट है चुनाव प्रचार करना वगैरह वगैरह। तो एक तो और मुख्यमंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री जेल में बंद है झारखंड में, ऐसे ही ईडी के केस में, हालांकि दोनों केसेस में अंतर है, तो ये बात भी चल रही है कि क्या किस तरीके से केजरीवाल को छूट मिली और इससे लीगली ईडी जो केसेस ईडी के उस पर किस तरह का असर पड़ेगा, और चुनाव के ओवरऑल माहौल पर इंडिया गठबंधन के पूरे देश में क्या असर पड़ेगा। मनोज, देखिए दो बातें समझने की है यहाँ पर। ईडी ने इनकी जमानत का पूरा विरोध किया था, उनका कह रहा था कि बहुत सारे इलेक्शन हमारे देश के अंदर होते हैं, ऐसे में हर एक आदमी को इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए बेल दी जाएगी तो वो सही नहीं होगा, बाकी लोगों के साथ पैरिटी नहीं होगी, बाकी लोग भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और कहेंगे कि हमको भी चुनाव लड़ना है, हमको बेल दी जाए, तो वो पैरिटी कहीं ना कहीं नहीं आएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ग्राउंड्स यहाँ पर अपने ऑर्डर के अंदर लिखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो अपने ऑर्डर में ये कहा है कि जो ये एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर अभी आरोप है, इनका अभी वो आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, और खासतौर पर कि ये एक सम्मानित व्यक्ति है, इनके छोड़े जाने से समाज को कोई खतरा नहीं है, और कैंपेन करना भी कहीं ना कहीं इनका एक अधिकार है, क्योंकि अभी तक ईडी जिन भी ग्राउंड्स को लेकर के इनके आसपास काम कर रही है वो कहीं भी प्रूव होते हुए नजर नहीं आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी को आधार बनाते हुए इनको बेल दी है। लेकिन सिर्फ ये अंतरिम जमानत है, 2 जून तक इनको दोबारा से सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ लिखा है कि इसका हमने केस की मेरिट के ऊपर अभी तक कोई भी डिस्कशन नहीं किया है, केस की मेरिट का जो आधार होगा वो अलग होगा, तो ये इन ग्राउंड्स के ऊपर इनको बेल दी गई है। हाँ, जिस तरह से आपने देखा कि आज सारे इंडिया गठबंधन की जो इनके सहयोगी है वो एक नए जोश के अंदर दिखे, उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है उसको एनकैश करना चाहिए, तो वो एक प्रचार में भी आपको आते हुए कुछ दिनों के अंदर दिखाई देगा कि उनका एक प्रचार का जो कैंपेन है उसको बड़ा बूस्ट यहाँ पर आते हुए दिखाई आपको दे सकता है। ठीक है, तो इसकी पहली झलक आज रात को मिल सकती है, और कल से तो निश्चित तौर पर दिखने लगेगा कि केजरीवाल का बाहर निकलना क्या मायने रखता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असीम। और केजरीवाल के बाहर निकलते आम आदमी पार्टी में किस तरीके का जोश आ गया है, इसकी एक नजीर देखिए सौरभ भारद्वाज के बयान में। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मेरा मानना है ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है, और मेरा मन कहता है कि ये अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है कि एक चमत्कार की तरह आज वो जेल से बाहर आएंगे।
तो आम आदमी पार्टी इसको ऊपर वाले का इशारा मान रही है और कांग्रेस कह रही कि ये इशारा प्रधानमंत्री को भी समझना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। तो पार्टियां सब समझा रही हैं कि कौन भगवान का इशारा है, किसको क्या इशारा समझना चाहिए। इस बीच बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी इसे क्लीन चिट ना समझे, ये तो सिर्फ अंतरिम जमानत है। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है, उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए, पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे, तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार की रैली में विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने संजय राउत के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी को गाली देने वाले लोग ये भूल रहे हैं कि मोदी के रक्षक 140 करोड़ जनता है। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे। वहीं संजय राउत ने पीएम मोदी पर दिए अपने बयान को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि उन्हें तो किसी को अंग्रेज नहीं कहा है, औरंगजेब नहीं कहा है, माफ कीजिए, औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय। इतिहास पहा तुम्ही, दावत नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला, औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता। केजरीवाल जेल से निकलने के बाद संबोधित कर रहे हैं अपने समर्थकों को।
तो ये हैं अरविंद केजरीवाल, तिहाड़ जेल से अभी अभी निकले हैं। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए थे, ईडी ने गिरफ्तार किया था। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अंतरिम जमानत दी है 1 जून तक के लिए। और आपको बता दें कि 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा, यानी चुनाव पूरे हो जाएंगे। 2 तारीख को इन्हें वापस सरेंडर करना होगा। तो 1 जून तक केजरीवाल प्रचार कर सकते हैं, और उन्होंने इसकी शुरुआत जेल से निकलने के साथ ही कर दी है। उन्होंने अभी अपने एक छोटे से संबोधन में लोगों को सिर्फ इतना बताया है कि तानाशाही से लड़ना है, और कल सुबह 11 बजे वो कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर जाएंगे। इससे पहले सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि हनुमान जी की कृपा से केजरीवाल की रिहाई हुई है, और केजरीवाल अब जाएंगे हनुमान जी को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, इस कृपा के लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिटेल होगी, वहाँ केजरीवाल जाहिर सी बात है हमले करेंगे एनडीए गठबंधन पर, बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और यहाँ से चुनाव को एक नया रंग भी आप कह सकते हैं कि मिल रहा है, और पिछले कुछ दिनों में चरण दर चरण जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, जो एक सुस्ती सी नज़र आ रही थी भारत की चुनावी फिजाओं में, ऐसा लग रहा था कि इस बार बहुत ही शांति से और नॉर्मल से चुनाव हो रहे हैं, कहीं कोई ख़ास शोर शराबा नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे जो है चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। और बढ़ते बढ़ते यहाँ स्थिति, अब आज केजरीवाल की भी इसमें एंट्री, तो काफ़ी दिलचस्प होगा कल से लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का और मामला। बढ़ते हैं खबरों में आगे, और आगे भी चुनाव से जुड़ी ही खबरें हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आज कन्नौज रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है, इसीलिए जनता ने मन बना लिया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं। तो अब चुनावी मूड माहौल में आपको दिखाते हैं दिल्ली में चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल की बातचीत। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार के गठन के बाद ई कॉमर्स रूल्स और नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी जल्द लागू होगी। प्रवीण खंडेलवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। पहले सरकार बाहर से भी लगातार रिटेल कारोबारियों के लिए लड़ते रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है, उसको कितनी जल्दी आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे, जैसे कि नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी है, इंश्योरेंस, सस्ता इंश्योरेंस, ये तमाम योजनाएं। रिटेल ट्रेड पॉलिसी मेरी जानकारी के अनुसार लगभग तैयार है, ई कॉमर्स पॉलिसी लगभग तैयार है, और अन्य अनेक चीजें हैं जो पिछले वर्षों में हमने सरकार से बातचीत करके तैयार कराई हैं, और अब संसद में पहुंचने के बाद वो जल्द से जल्द लागू हो, मैं इसका पूरा प्रयास करूंगा। इसके अलावा चांदनी चौक के लिए अगर खासतौर से आपके संसदीय क्षेत्र के देखें तो उसके लिए क्या विजन है, उसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे? चांदनी चौक की घोर उपेक्षा दिल्ली की सरकार ने की है, और इसलिए मैंने कुछ चीजें हैं, मेडिकल है, हमारा जो हमारे युवा हैं उनके लिए स्टार्टअप की बात है, हमारी जो महिलाएं हैं जो काम करना चाहती हैं, अपना इकोनॉमी, अपनी इनकम को सप्लीमेंट करना चाहती हैं, उनको रोजगार देने की बात है, नए हॉस्पिटल बनाने की बात है, ट्रैफिक को समाप्त करने के लिए अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर बनाने की बात है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे एजेंडे पर हैं। और चुनाव के बीच इंडस्ट्री के मोर्चे पर थोड़ी सी बुरी खबर आई है। मार्च में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को झटका लगा है। मार्च में आईपी ग्रोथ 5.7% से घटकर 4.9% हो गई है। इस दौरान माइनिंग ग्रोथ 8% से घटकर 1.2%, प्राइमरी गुड्स ग्रोथ 5.9% से घटकर 2.5% हो गई है। इन्फा गुड्स ग्रोथ भी घटकर 6.9% से पर आ गई है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रोथ
12.3% से घटकर 9.5% पर आ गई है। मार्च में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 5% से बढ़कर 5.2% हुई है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 7.5% से बढ़कर 8.6% हो गई। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स ग्रोथ में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अब आज के बाजार का हाल। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बढ़त रही। कल की भारी बिकवाली के बाद आज बाजार में खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 260 अंक और निफ्टी 98 अंक चढ़कर बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% चढ़ा है। FMCG, मेटल, तेल, गैस, पावर सेक्टर में तेजी रही है। और बाजार में चुनाव के दौरान क्यों बढ़ी घबराहट और क्या है मार्केट का इलेक्शन कनेक्शन, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। देश में आज अक्षय तृतीया की धूम है। आज बाजार में खासी चहल पहल है। सराफा और कपड़ा बाजार में धूम से खरीदी चल रही है। और दिल्ली करोल बाग के पीपी ज्वेलर्स का जायजा लिया हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। अक्षय तृतीया का मौका है और सोने चांदी की खरीदारी शुभ मानी जाती है। यही वजह है कि अब ज्वेलर्स के शोरूम में कस्टमर्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। खास बात जो दिखाई दे रही है कि कस्टमर अपने बजट और अपने पसंद के हिसाब से यहां पर खरीदारी कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पीपी ज्वेलर्स बाय पवन गुप्ता के शोरूम में और आप यहां पर देख सकते हैं सुबह से ही कस्टमर्स यहां पर आते हुए हमें दिखाई दिए हैं। और खास तौर पर अभी जो यहां पर ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जिस कॉर्नर पर मैं मौजूद हूं वहां पर आप देखेंगे कि आपको एंटीक ज्वेलरी दिखाई देगी, हैवीवेट ज्वेलरी दिखाई देगी और लोग ये खरीदना पसंद कर रहे हैं। हालांकि सोने के दाम की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार सोने के दाम ज्यादा है, लेकिन बावजूद उसके चूंकि अब वेडिंग सीजन की भी शुरुआत होने वाली है तो उसको ध्यान में रखते हुए भी यहां पर खरीदारी कस्टमर्स की तरफ से की जा रही है। तो क्या कुछ लोग खरीद रहे हैं, इस पर हम सीधा कस्टमर से ही बात करेंगे। मैम आप बताएं, अक्षय तृतीया के मौके पर आप खरीदारी करने आई हैं, क्या कुछ खरीदने जा रही हैं? देखिए, अक्षय तृतीया महालक्ष्मी जी का बहुत बड़ा दिन होता है और इसलिए हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। यहाँ पे हमें लाइट वेट में बहुत अच्छी एंटीक ज्वेलरी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्ष्मी जी पिकॉक वर्क, मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी इतने लाइट वेट में इतनी सुंदर ज्वेलरी मिलेगी और मैं यहाँ आज ये लेने आई हूँ, शुभ मौका है। तो आप एंटीक ज्वेलरी खरीद रहे हो और खास तौर पर जो एक हम लोग कहते हैं कि गॉड गॉडेस कलेक्शन, वो यहाँ पर पसंद की जा रही है। मैम आप बताएं, आपने क्या कुछ खरीदा है या खरीदने जा रही हैं? वैसे तो अभी देख ही रही हूँ और मैंने ब्रेसलेट खरीदा है ये वाला और मुझे बहुत सुंदर कलेक्शन लगी है यहाँ की। और मेन तो अक्षय तिथि है आज, तो मैं वेट कर रही थी कि अक्षय तिथि आए तो और मैं कुछ गोल्ड का खरीद लूं। इस गुड कलेक्शन, वेरी नाइस। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सोने के रेट महंगे हैं पिछले बार के मुकाबले? सोने के रेट तो देखो कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब ये जो त्योहार है तो इसमें तो मेन तो होता ही है, पर इनका कलेक्शन अच्छा है। वेट भी, वेट के हिसाब से आपको कई तरह की ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं। तो ऑफर्स और डिस्काउंट की बात करें तो राजधानी दिल्ली में ज्यादातर ज्वेलर्स की तरफ से 25% से लेकर 60% तक मेकिंग चार्जेस पर छूट दी जा रही है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पर गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 40% तक का ऑफ दिया जा रहा है और ये ऑफर्स आज तक के लिए नहीं है, अगले एक हफ्ते तक ये ऑफर्स लगभग सभी ज्वेलर्स की तरफ से दिए जाएंगे। तो अक्षय तृतीया का मौका, लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं अपने बजट और अपनी पसंद के हिसाब से। दीपाली नंदा, दिल्ली। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से 24 घंटे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।